सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम शतक में। मणिपुर में सामान्य हो रहे हालात, सेना की सुरक्षा में लोगों तक पहुंच रहे राशन ईंधन से भरे ट्रक। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, 5 महीने पहले फैसला सुरक्षित रखा, तमिलनाडु सरकार का तर्क, खेल में बैलों के साथ क्रूरता नहीं होती। अंबाल में बीजेपी सांसद कटारिया का निधन, 14 दिन पहले मनाई सालगिरह, 50 साल आरएसएस से जुड़े रहे, हरियाणा में एक दिन का राजकीय शोक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों को किया संबोधित, कहा राज्यसभा के अधिकारी नई तकनीक से तालमेल बनाकर चले। आतंकी तस्कर गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ ऑपरेशन ध्वस्त जारी, 324 स्थानों पर मारा गया छापा, टारगेट किलिंग को अंजाम देता था गैंगस्टरों का नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा नए युग में सूचनाओं के लिए अपनाने होंगे नए तरीके, नई तकनीकों को करना होगा योजनाबद्ध, ISIS सरकार का महत्वपूर्ण अंग। सिडनी में अगले हफ्ते होने वाली क्वाड बैठक रद्द, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, क्वाड के चारों देश G7 की बैठक के दौरान वहां होंगे। कोई पछतावा नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करने वाले जस्टिस शाह ने रिटायरमेंट के बाद कही बड़ी बात। ग्यारह मुंबई हमले का आरोपी तहवुर राणा भारत लाया जाएगा, अटैक के मास्टरमाइंड हेडली का दोस्त अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दी। मक्सी उज्जैन मार्ग पर ट्रॉले और बस में भिड़ंत, एक ही परिवार की 2 महिलाओं समेत 4 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन SP हिंदुजा नहीं रहे, ब्रिटेन में क्वीन के पड़ोसी थे, शाही भोज में अपना खाना साथ ले जाते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन के AC बंद, पैसेंजर बेहाल, सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो शेयर किए, कहा उतरने भी नहीं दिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदला, अब अर्जुन राम मेघवाल होंगे लॉ मिनिस्टर। दो साल में 7.5 करोड़ रोगियों तक पहुंचेगी सरकार, 40,000 चिकित्सा कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण, रोगियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना जरूरी। बसपा की अहम बैठक आज, लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में होगी बैठक, मिशन 2024 के लिए बनेगी रणनीति। हरदोई में बदमाशों के हौसले बुलंद, पत्रकार के साथ की लूट और मारपीट, पुलिस अधिकारियों ने 4 पत्रकारों के विरुद्ध मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओवरलोड वाहनों पर कसा सिकंजा, कौशाम्बी में 73 ओवरलोड वाहनों को किया गया सीज, DM SP की कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन करने वालों में मचा हड़कंप। तेंदुए ने युवक पर किया हमला, पीलीभीत में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती, चीख पुकार सुनकर पड़ोस में काम कर रहे अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे।
पीलीभीत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सत्ताईस जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में भीषण गर्मी की संभावना। लखनऊ का अधिकतम पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 25.2 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, नए चिड़ियाघर का भी होगा निर्माण। मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे पड़ी रही लाश, बच्चे समझे सोए हैं पिता, सुबह से दोनों मासूम ना हंसे और ना ही रोए। परिषद चुनाव में मुकाबले से तय होगी जीत हार, लखनऊ में भाजपा का पलड़ा भारी, दोनों सीटों के लिए अलग अलग सभी विधायक मतदान करेंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों के खिलाफ एसआईटी ने जुटाए साक्ष्य, जल्द चार्जशीट की तैयारी, पिस्टल की ब्लास्टिक रिपोर्ट का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को किया संबोधित, बोली तकनीक का बेहतर प्रयोग करें, इससे बच्चों का भी मार्ग प्रशस्त होगा। अग्निवीर मामले में राहुल राज को अग्रिम जमानत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी बड़ी बात, कहा मुझे फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया था। $2.40 लाख के जालसाजी के आरोप में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक और साथी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। माफिया अजीत का इनाम बढ़ाने की तैयारी, तलाश में गैर जनपद में टीम ने दी दबिश। आंधी में आम की फसल को हुआ भारी नुकसान, विद्युत आपूर्ति ठप, सहारनपुर में टीम की चपेट में आकर युवक की हुई मौत। यूपीपीसीएस 2022 का कट ऑफ जारी, पद घटे तो बढ़ गई एसडीएम की मैरिट, कट ऑफ 24 मई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। प्यार में मिला धोखा तो जहरीला पदार्थ निगलकर सीएचसी पहुंची युवती, मचा हड़कम, परिजनों ने युवती का घर से निकलना भी कर दिया था बंद। ई रिक्शा में बैठकर चुराई थी जेवर, 42 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, फिर संदेह के आधार पर दबोच ली गई असली चोरनी। प्रयागराज में गंगा नहाने गए बीटेक के 2 छात्र डूबे, एमएनएनआईटी के छात्र अलवर और मऊ के रहने वाले, पैर फिसलने से हुआ हादसा। नरेंद्रगिरी सुसाइड में ट्रायल शुरू होने के बाद अमरगिरी और पवन महाराज का कोर्ट में होगा पहला बयान, समन भेजने का हुआ आदेश। गाजियाबाद के डासना मंदिर में 3 संदिग्ध पकड़े गए, हिंदू लड़की की आईडी पर मुस्लिम लड़के लड़की ने ली एंट्री, पुलिस ने क्लीन चिट देकर छोड़ा। गगनयान मिशन के लिए आगरा में तैयार हुए पैराशूट, जुलाई में हो सकती है परीक्षण वाहन की पहली उड़ान, बेंगलुरु भेजा गया पैराशूट सिस्टम। तीस फीट गहरे गुए में बच्चे के रेस्क्यू का 3 रस्सियों के सहारे 20 मिनट बाद बाहर निकाला गया, शाबाश बहादुर बोलकर बढ़ाते रहे हौसला। लखनऊ में धूल भरी आंधी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी के 24 शहरों में भीषण गर्मी की संभावना, 8 दिनों तक मौसमी उलटफेर का अनुमान। रायबरेली में 9 साल के बच्चे की गला घोटकर हत्या, 5 लाख फिरौती के लिए 15 साल के लड़के ने मारा रस्सी से बांधे हाथ पैर, चेहरे पर डाला था नकाब।
अलीगढ़ में गिलहर राज मंदिर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक, हिंदुओं के लिए ड्रेस कोड जारी। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को पूजा करने से रोक दिया जाएगा। राज्य हज समिति के चेयरमैन का बयान, हज यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, तीनों गिरफ्तार शूटरों का होगा नार्को टेस्ट, मर्डर की जांच करेगी न्यायिक आयोग की टीम। सपा ने उपचुनाव के उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। सपा की हार पर शिवपाल यादव का बयान, चुनावों में सरकार की तरफ से धांधलियां हुई हैं, गड़बड़ियां नहीं होती तो सपा नंबर वन पर होती। आयोग ने की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पेपर लीक के आरोपी 180 अभ्यर्थियों पर 5 साल का हुआ प्रतिबंध। प्रैक्टिकल के नंबर बोर्ड को नहीं भेजने से बच्चों को मिले कम अंक, प्रधानाचार्य समेत 18 शिक्षक सस्पेंड। देहरादून पहुंचे मिस्टर खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर नहीं मिली फैंस की भीड़ तो अलग अंदाज में आराम से निकले। प्रदेश में अरबों की शत्रु संपत्ति को कब्जे से छुड़ाने की मुहिम शुरू, प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं पे हड़कंप। प्रदेश भर से उतारे गए करीब 1500 लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई जारी। मंत्रिमंडल की बैठक आज, सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। ध्वस्त होने चाहिए अवैध धार्मिक निर्माण, हाईकोर्ट ने कहा धर्म का नहीं होना चाहिए कोई परहेज। पच्चीस से 28 मई तक मुनि की रेती में बैठक, डीजीपी ने दिए सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश। दो आबकारी निरीक्षक सस्पेंड, दुकानों के आवंटन में लापरवाही सहित इन आरोपों के चलते हुई कार्रवाई।